सर, ये हम लोग ऑल अरुणाचल आर्ट एक्टिव एसोसिएशन तरफ से आपका ऑफिस में आया है। तो रिगार्डिंग जो हम लोग ये 125 एबव का इलीगल अपॉइंटमेंट जे सिविल जे का ना, तो हम लोग जो 29/6/2023 में हम लोग जो सीएम का ऑफिस में हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन लेटर हम लोग जो दर्ज किया था, तो उसमें हम लोग ऑफिस में हम लोग फॉलो किया है। तो ये अंडर सेक्रेटरी को भेज दिया हम लोग जो, तो अंडर सेक्रेटरी का तरफ से ये टाइम किना सर जो अंडर सेक्रेटरी PWD गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये जो आप लोग को 11 जुलाई में आप लोग को रिपोर्ट को देने के लिए भेजा है। तो अभी हमारा पब्लिक लोग जानना चाहता है कि ये रिपोर्ट को अभी तक भेजा है कि नहीं भेजा है। उसको सर आप थोड़ा सा आप लोग ऑफिस में आया है आप थोड़ा बता दीजिए सर। उसका रिपोर्ट को विद ऑल मतलब लेटर जो रिकॉर्ड है, ऑफिस रिकॉर्ड जो कनेक्टेड है, जितना हम लोग ढूंढ सका और जितना कनेक्टेड हम लोग को लगा है उसके साथ में भेज दिया साउथ पी एम का। अब वो जो उस पर हो करके वो उधर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस से फिर SIC में गया है। SIC में और इंक्वायरी अभी पुलिस इंक्वायरी हो रहा है। आज सुबह के ताव जो इंस्पेक्टर वो आया था, अभी वो जारी रहेगा। उसके बाद क्या वो ये जमीन करके फिर दूसरा ये होगा। अभी मेरा नाम हम लेके लेके फर्स्ट शुरुआत यह होगा। वो जैसे ही उसको कागज़ को कोई जगह में कागज़ शॉर्ट है हम लोग दे सकता है तो मांग सकेगा होगा। तो अब तो पुलिस इंक्वायरी में है तो वी कैन नॉट नाउ कमेंट। तो सर कौन सा डेट में आप लोग प्रोवाइडिंग को उधर भेज दिया है रिपोर्ट को? तो 1 महीना हो गया क्या? हाँ, लगभग 1 महीना अराउंड 1 month हो गया होगा। एग्जैक्ट डेट को बता पाने से एग्जैक्ट डेट उधर देखो सर, देखना पड़ेगा। PSC नहीं है अभी, प्रिंसिपल है हम लोग का पेरेंट्स। तो उस उतना तो मैं तो अभी है तो उन लोग भी एक्शन लेके उधर में है, ये अभी पूरे SIC में है। तो SIC के में इंक्वायरी भी शुरू हो गया, आज सुबह ही आए क्या ताप के था इंस्पेक्टर। ठीक है सर, ऐसे कीजिए आप लोग भेजा है तो बहुत अच्छा बात है ना, हम तो हम लोग भी वही चाहते हैं कि जल्दी भेजो। तो सर आप लोग ऐसे कीजिए, आप लोगों को भी RTI टीम को भी आप लोग फॉलो करने के लिए हम लोग को फॉरवर्डिंग की तरह हम लोग को दे दीजिए, जैसे वहाँ भेजने में जैसे किसी के अंदर से कितने आप लोग को भेजा है तो फिर आप लोग यहाँ से भेजने में ऐसे वाला कॉपी आप लोग को दे दीजिए, हम लोग भी उसको लेके ना। वो नहीं होने से भी तो पुलिस ये हो गया, आप दे सकते हैं दीजिए, वो भी फिर वो देना पड़ेगा। वो जो अभी वैसे जरूरी नहीं है क्योंकि आप हमारा विश्वास करता है तो हमने जो लगता है उसको दिया है और कनेक्टेड ही है ना। कनेक्टेड को देने के बाद ये अभी उसको उर लगा होगा कि पुलिस इंक्वायरी करे, तो पुलिस इंक्वायरी में वो SIC को ये है वो तो आ चुका है। आप SIC में पता लग सकता है वो केस, ये इंस्पेक्टर केटाव है तो उसका आयो। नहीं सर, वो तो आप बता रहे थे कि जो हम जो भी जैसे कि पुलिस थाना होने से भी PS का तरफ से SP को भेजने से फॉरवर्डिंग भेजता है, फिर SP से SIC भेजने से फॉरवर्डिंग भेजता है। तो फॉरवर्डिंग तो एप्लीकेंट को तो मिलता है कंप्लेनर को, तो हम लोग को भी इसका जरिए हम लोग को एक लेटर तो हम लोग को एक ऐसे प्रोवाइड हम लोग देना पड़ेगा सर। विदाउट नहीं देखे हम लोग कैसे फॉलो करेंगे? उसके साथ दे दीजिए बाइल नहीं रिक्वेस्ट कर रहा। RTI को लीजिए नहीं तो ना। नहीं नहीं सर, उसमें RTI का वो नहीं होता है। नहीं, ये क्या कॉन्फिडेंस हो गया है? क्या कॉन्फिडेंशियल वाला प्रिंसिपल कमिश्नर को कॉन्फिडेंस होता है ना, CM का इंडोर्स था सर। उसमें RTI का मानना वो नहीं होता सर, उसमें जैसे कि ऑलरेडी हम जो RTI मार के कंप्लेन जो मिला है तो उसमें मेरा ही लेटर को फॉरवर्डिंग भेजा वाला होगा, हम RTI मारे सर कैसे हो जाएगा? वो तो मेरा ही फॉरवर्डिंग है। नहीं, RTI पे भी दे पाएगा कि नहीं, दैट इज अनदर थिंग ना। लेकिन वो चीज़ जो अभी जो है ना, आप SIC में पता लग सकता है वो केस क्या है। अभी हम जो बोल रहा है के तब आया था वो है कि नहीं है, तो वो आप SIC से पता लग सकता है कि प्रोग्रेस क्या उधर से होके, क्योंकि हम लोग तो SIC को नहीं दिया है। SIC को नहीं, वो जो कमिश्नर जो ऑफिस से दिया होगा इसको SIC देखे। नहीं, आपका तरफ से तो भेजा हो गया, वो तो बोल रहे हैं तो हमको लिखित में चाहिए। लिखित में सच में भेजा है कि नहीं भेजा है वो तो हम लोग तो भरोसा नहीं भेजा है ना, करते। तभी तो ये आप SIC में जा सकता है। हाँ, तो हम तो लोग को वो जो है
जो अभी आया था जो इंस्पेक्टर जो तो वो तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं नहीं, हम लोग को सर, हम लोग एक कंप्लेनर है, हम लोग को एक चाहिए प्रोग्राम सर, रिकॉर्ड चाहिए, हम लोग लिखित में चाहिए, सच में भेज दिया कि नहीं भेजा, तो हम लोग ने आप लोग को परेशान करते रहेगा, उधर बोलते उसको बोलते ऐसे, हम लोग नाना रकम नहीं चाहिए ना, तो हम लोग सिस्टम से घर करना चाहते हैं, इसलिए आप लोग सिस्टम को फॉलो कीजिए। इंक्वायरी भी टाइम लगेगा, अभी अभी जो आपको इंक्वायरी खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है, दैट इज द इशू, कि कहाँ तक इंक्वायरी जा गया है ना, इंक्वायरी तो शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया हम लोग के नॉलेज में, तो उसमें तो और भी लगेगा होगा बाद में जो है क्वारीज करेगा होगा, तो वो अपना लो अपना ये टाइम लेगा, ज़्यादा जल्दी भी नहीं है, ज़्यादा देरी भी नहीं है, तो अपना टाइम में यह होगा सर। अभी वही हम लोग तो अप्रिशिएट करते हैं, आप लोग भेज दिया है, चलो मान के चलो भेज दिया, लेकिन भेजा है कि नहीं भेजा, अब तो मुख से भेजा है, भेजा है मुख से बता रहा है, तो हम लोग को लिखित वाला एक चाहिए सर। ना ना लिखित नहीं होने से भी यू कैन कन्फर्म दैट एसआईसी एसआईसी से आप कन्फर्म ये केस आया कि नहीं आया। नहीं वो तो हम पता लगा लेगा, लेकिन आप लोग आप लोग प्रोवर्टिंग को देने में क्या, देखो दो चीज है, एक होता है ये एक इंफॉर्मेशन डिसिमिनेशन इंफॉर्मेशन होना, एक है सिक्रेसी का ये ना, अब वो जो है आयोग के ऊपर ये में तो उसमें भी होगा, आप उसको लेने का भी जरूरी नहीं, आयोग से पीछे भी आपको वो सीट जो है वो इंक्वायरी में पता लग जाएगा, जो जैसे जैसे है आपका इंफॉर्मेशन जो नहीं मिला है वो भी वो खोजेगा होगा, तो उस केस में जो है आप लोग एलिगेशन है कि ये इलीगल अपॉइंटमेंट ना, तो इलीगल अपॉइंट हुआ ना ये इलीगल नहीं हुआ है, उसको जानने के लिए तो बहुत कागज़ लगेगा होगा, तो हम लोग को जो जितना कागज मिला है जो उसे कनेक्टेड लगा है वो हम लोग दिया है, और पार्टनर मांगेगा हम लोग पास है कि नहीं है, वो हम लोग पार्टनर इंक्वायरी में वो जब आएगा नेक्स्ट टाइम तब ये करेगा। और सर ऐसे कीजिए, ज़्यादा लंबा चौड़ा बोल के फायदा नहीं है, लेकिन आप हम आपका अपना ही प्रोवाइडिंग लेटर को मांग रहे हैं आप, लेकिन देने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो सर आप देने में कुछ दिक्कत हो रहा है उसको आप बता दीजिए, देने में क्या दिक्कत है। हम तो हम दो सब रिपोर्ट को तो मंगा नहीं, सर एक ही ऊपर का प्रोवाइडिंग सर को मांग रहा है, उसमें तो देने में सर क्या प्रॉब्लम है, और नहीं देगा बोल के हमको लिख के दे दीजिए, हम चला जाएगा, हम नहीं भी मांग देगा, हमको लिखित में दे दीजिए, हम प्रॉपर्टी लिखने का भी जरूरी नहीं है, जो चीज प्रोग्रेस इसी में किया है ये इस स्टेज में है आपका कंप्लेनर, हमको नहीं देगा सर किस को देगा, प्रॉपर्टी तो हमको बनता है देने के, और एस पी तो एट द इंक्वायरी स्टेज में वो ये नहीं होगा, मतलब हम लोग देना मतलब इट मे नॉट बी प्रॉपर, तो आपका जो प्रोग्रेस हो रहा कि नहीं हो रहा वो पता लगा लीजिए, दैट इज द शुड बी द बेस्ट, क्योंकि नाउ इट विल बी जो इंक्वायरी को फ्री होने दीजिए, सर इंक्वायरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको पता लगा लीजिए। तो सर आपका तरफ से हमको प्रोवाइडिंग को तो तुल मना कर नहीं देगा ना सर, माना नहीं वो एक दिन तो निकलेगा, तो आपको जो रिपोर्ट जाएगा एक दिन तो खुलेगा, कुछ चीज़ें मतलब टाइम बिंग के लिए है, मतलब टाइम बिंग के लिए आपको कॉन्फिडेंशियल है, वो बाद में भी वो कॉन्फिडेंशियल खुल जाता है, सारे कॉन्फिडेंशियल किसी समय में खुल जाता है, ये नथिंग ये कर हम आपको स्टेज को बोल देगा, लिख देगा आपका इंक्वायरी स्टेज में है, आज ही आया है वो हम लिख देगा, ये पूछताछ किया है और बाद में भी आएगा होगा। आप ये क्या लिखे लिया थोड़ा बता दीजिए, समझ लेंगे केस एलिगेशन 125 जे इज ना, पोजीशन क्या है उसका, रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिटेड टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ना, फ्रॉम केस रेफर बाय गवर्नमेंट टू एसआईसी एंड आईओ श्री के टाओ इंस्पेक्टर हेड स्टार्टेड इंक्वायरी ना, इंक्वायरी हेज स्टार्टेड टुडे, अभी हमारा ऑफिस में अभी आया था ना, कुछ ये मतलब घंटा पहले। तो सर आप रिपोर्ट को कब दिया और डेट भी नहीं बता रहे हैं? नहीं वो फाइल हमें मालूम नहीं, तो भी फाइल तो ये में होगा, सेक्शन में होगा, ये है अभी आज अभी का ये हालत, ये है पोजीशन ये है आपका केस। गुड आफ्टरनून पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, माई सेल्फ मिस्टर नाम दपक, ऑल अरुणाचल आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन चीफ ऑडिटर कम एसोसिएट चेयरमैन,
On my right one is Mr. Lokam Namdu, Old Arunachal RTI Activist Association IPR Secretary. तो आज हम दोनों यहाँ में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश यहाँ में हम दोनों आज रिगार्डिंग 125 इलीगल अपॉइंटमेंट का जो बारे में हम दोनों यहाँ पर फॉलो करने आया है। तो हम लोग जो 29/6/2023 में सीएम का ऑफिस में हम लोग रिप्रेजेंटेशंस कंप्लेन लेटर हम दर्ज किया था और साथों साथ कमिश्नर में कमिश्नर पीडब्ल्यूडी में भी। तो इसका फाइल जो तो हम लोग फॉलो किया है तो उन लोग जो प्रिंसिपल कमिश्नर पीडब्ल्यूडी और ये सीएम का वास है अंडर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को मर्क किया था। तो अंडर सेक्रेटरी ने फिर अंडर सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश ने फिर ये सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग कोऑर्डिनेशन पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश ईटानगर को 11 जुलाई में 2023 में यहाँ में पाइल नोटिंग रिपोर्ट जितना भी जो हम लोग रिक्वायरमेंट मांगा था ये रिपोर्ट को यहाँ मांगा गया था। तो अभी हम लोग ये सुपरिंटेंडेंट इंजीनियरिंग में हम लोग जो अभी आया है तो पूछा है कि सुपरिंटेंडेंट सर को मिला है इसका पीआईओ सर को मिला है ये एसटी तारा सर बोल के। तो उन दोनों का कहना है कि ये रिपोर्ट को पहले भेज दिया है तो भेज दिया है बोल के बता लेकिन डेट को नहीं बता पा रहा है। तो भेजा है कि नहीं भेजा हुआ हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग फॉरवर्डिंग लेटर मांगा है ये पीडब्ल्यूडी कमिश्नर को उन लोग जो भेज दिया बोला है तो उसका भेजा है कि नहीं भेजा हम लोग अभी तक पता नहीं है। लेकिन बोरा तो है भेजा है लेकिन बोरा तो है भेजा है लेकिन भेजा है कि नहीं भेजा हम लोग जानने के लिए हम लोग को एक लिखित में जो लिखा जैसे कि अंदर सेक्रेटरी ने हम लोग को एक बार फॉरवर्डिंग हम लोग भेजा था दिया था इसका जैसे हमको भी ये सुपरिंटेंडेंट सर को हम रिक्वेस्ट किया है कि हमको देने के लिए। तो उन लोग जो मना कर रहा है कि नहीं देगा अभी नहीं दे पाएगा अभी नहीं देगा बोल के हमको बोल रहा है तो इसलिए डेट को भी नहीं बता पा रहा ये क्या कारण से हमको कर रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हिसाब से अभी हमको नहीं दे रहा है। सिस्टम से बोलने से तो हम तो एक कंप्लेनर है हम लोग को टीम आरती हम लोग टीम है हम लोग को तो ये फॉरवर्डिंग नहीं था हम लोग कंप्लेनर हम लोग को देना चाहिए। तो अभी तक ये को फॉरवर्डिंग लेटर को भी नहीं दे पा रहा है तो भेजा है कि नहीं भेजा हम लोग को पता नहीं है इसलिए अभी हम लोग टीम अभी ये पीडब्ल्यूडी कमिश्नर में सेक्रेटरी हम जाके अभी कवर करेगा अगर सच में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। हम लोग ने हम दोनों ने अभी ओल्ड अरुणाचल आरती है हम टीम जो हम लोग अभी सुपरिंटेंडेंट ऑफिस से तो हम लोग अभी सेक्रेटरी विजिलेंस टीम ऑफिस में तो हम लोग का ये फाइल नोटिंग वगैरह रिपोर्ट मांगा था कमिश्नर और सीएम ने मांगा था। तो इसका रिगार्डिंग में हम लोग जो अभी विजिलेंस सेक्रेटरी में गया है तो उसमें पता चला है कि ये एसआईसी को भेज दिया है तो फॉरवर्डिंग लेटर ये है तो एसआईसी को अभी भेज दिया है। तो अभी हम लोग एसआईसी ऑफिस में आया है तो एसआईसी ऑफिस में आके हम लोग अभी सार लोग को ये इंस्पेक्टर सार लोग को और सार लोग को हम लोग ये श्री एल दवा बोल के है एल दवा दो सार से हम लोग अभी बात किया है तो बात किए तो ये कहना है कि ये केस को ये कार्बम ताव बोल के इंस्पेक्टर है तो उसको ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको दिया गया है बोला इसलिए हम लोग जो ओल्ड अरुणाचल आरतिया अनुतिन चाहता है कि ये इशू को ये ओल्ड अरुणाचल ओल्ड ये जितना भी इलीगल अपॉइंटमेंट है जो 2015-18 का अंदर में बाय देन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर ईआरओ तुतीची का ऊपर में दो जो इसका अगेंस्ट जो इसका टेन्योर में जो इलीगल अपॉइंटमेंट डाला गया था तो इसका रिगार्डिंग में अभी यहाँ तक आ गया है इसलिए हम हमारा सीएम को सीएम श्रीमान पेमाकांत सर जी को मैं बार बार में दरख्वास्त करता हूँ कि ये केस को जल्द से जल्द आप उसको केस को टेकअप करने दीजिए और उसको इसका जो इलीगल अपॉइंटिंग अथॉरिटी है ईआरओ तुतीची के ऊपर में भी आप उसको
इन्वेस्टिगेशन लगाइए और सीबीआई लगाइए, और जितना भी इलीगल अपॉइंट हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको टर्मिनेट करना है और री एडवर्टाइजमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच।